देखिए दोस्तों, ये है माता का मंदिर, कुआं सरिया छत्तीसगढ़ माँ का मंदिर। भगवान की जय। रघुनाथ मैं अनाथ हूँ, तार ले मोला। रघुनाथ मैं अनाथ हूँ, तार ले मोला। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सरिया देवी देवी वहाँ पे है। नीम का पेड़ है, ऊपर था दाई, हां ऊंचा था दाई। हां हाथी मोर ला मंगर धरे तोला भय कुहारे। ए पीपल और नीम का पेड़ के नीचे है। कितना भक्त जन है यहाँ पे। मंगर ना मार के देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा शेर है। ये देखिए दो शेर है यहाँ पे मंदिर के सामने। चारों मुड़ा है भगवान का दरबार में, मेला लगा हुआ है आप देख सकते हो। देख लीजिए दोस्तों, पार्वती माता है ये, और नारियल लिया है वहाँ, हमको दिया ये चुनरी टाइप का, ये छोटा सा पट्टी, इसको हम माता के चरणों में समर्पित कर देते हैं दोस्तों। जय मातेश्वरी, जय माता, जय माता। यहाँ बकरा कटा नहीं भैया, पहली यहाँ का है चावल चढ़ा के, पहली 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 मतलब 30 साल 20 साल के पहली बकरा कटा रही थी बहुत सारा, जैसे सिद्धि में अभी कटा थे टाइप के। जय कुमार से कम 40 साल वर्ष पहले यहाँ बोकरा करता था दोस्तों। कुंवर असरिया भगवान है, ये भगवान का नाम है कुंवर असरिया। और यहाँ देख लीजिए मंदिर बहुत सारा है। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय शंकर जी। Thank you.
देख लीजिए दोस्तों, जिसको मन्नत मांगता है यहाँ कुछ भी अपना अपना हिसाब से, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई और कहीं मांगते हैं, कोई और कहीं, ये सब मन्नत का नारियल बंधा हुआ है पेड़ पे। और पेड़ है दोस्तों, क्या चीज़ का पेड़ है पता नहीं है दोस्तों, गस्ती का पेड़ जैसे दिख रहा है ये, और पीपल का भी पेड़ एक साथ दोनों पेड़ जुड़ा हुआ है दोस्तों। देख लीजिए पीपल का पेड़ और गस्ती टाइप का पेड़ दिख रहा है दोस्तों, समझ भी नहीं आता क्या पेड़ है ये। और यहाँ पे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ है, जय भोले बाबा, जय जय। और पेड़ के दोस्तों क्या चीज है ये, सांप जैसे लगता हुआ है, जय भगवान। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चींटी का ये घर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों चींटी का मोंदरा बोलते हैं, मोंदरा। ये लाल चींटी है दोस्तों, लाल चींटी देख लीजिए, लाल चींटी का मोंदरा है, ऐसा बना रहता है देखो, पूरा पत्ता को सकेल कर बना हुआ है। जय जय भगवान, जय जय श्री। पेड़ के पूरा आसपास, अच्छा अच्छा ये है दोस्तों, जो भगवान का जो है यहाँ से लपटा कर वो सांप नांगदेव वहाँ पे गया हुआ है, वही है दोस्तों पेड़ से लपटा हुआ नांगदेव है, ये नांगदेव है शेष नाम। देख लीजिए दोस्तों पूरा, और नहीं नहीं दोस्तों, इसमें पीपल का पेड़ है और गस्ती का पेड़ है और नीम का पेड़, मतलब तीन चार ठो पेड़ एक साथ है दोस्तों। देख लीजिए ये नीम का पेड़ है, वो वाला नीम का पेड़ है और वो वाला गस्ती का पेड़ है और ये पीपल का पेड़ है। ऐसा दोस्तों यहाँ का दृश्य आप लोग देख सकते हो, और धूपपाक का तेरस का दिन यहाँ मेला भरा हुआ है दोस्तों, और 12-13-14 साल 15 साल के पहली यहाँ पे बकरा करता था दोस्तों, बहुत सारा बकरा करता था, अभी जैसे सिद्धि में कट रहा है बकरा वैसी टाइप के यहाँ बकरा करता था, और यहाँ मतलब बंद हो चुका है दोस्तों, शासन प्रशासन जैसे भी गांव बस्ती के लोग बंद करा दिए हैं बकरा काटना। देख लीजिए, और अभी सुबह का समय है दोस्तों, अभी करीब बजा है, अभी बजा है मान के चलो 10-10 बजा है दोस्तों। ये देख लीजिए पूरा मेला भरा हुआ है, अभी मेला तो पब्लिक आया नहीं है, अभी खाली है, अभी पूरा सामान ही वाला ही आया हुआ है, पूरा नारियल है, गन्ना रस वाला है, नारियल वाला है, ऐसा सब एक से एक सामान वाला आया है, अभी मेला
लगता है शाम को भराएगा या तो दोपहर को भराएगा। ऐसा है दोस्तों यहाँ का दृश्य, देख लीजिए। देखिए दोस्तों चेतन के पापा खा रहे हैं समोसा। वीडियो बना रहे हैं, बनाओ तो दिखा रहे हैं थे। देखिए दोस्तों मैं गैया जा रहा है यहाँ पे। वो देखिए कैसा कैसा हो रहा है, मैं हूँ काल। ठीक है दोस्तों, बाय, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज के ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।